बोलो साचे दरबार की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। बोलो साचे दरबार की जय। माई मेरे सच्चे ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ माई के पावन नवरात्रों की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। माँ माई का दूसरा नवरात्रा यानी कि माँ माई का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्माकार तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप त्याग वैराग्य सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने से आपके जीवन के कठिन से कठिन कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए है। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्रारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के कठोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और तुम्हें भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की ही उपासना की जाती है। जो भी भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, नियम से पालन करता है, सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके जीवन में आ रहे कार्यों में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं, संकट दूर होते हैं और उन संकटों को जो आते भी हैं तो उन्हें सहन करने की शक्ति माता प्रदान करती है। तो आज के लिए इतना ही। बोलो साचे दरबार की जय। आशा करती हूँ कथा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। कथा का श्रवण जरूर करिएगा। कथा को सुनने मात्र से ही माता की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है, भक्ति भाव उत्पन्न आपके हृदय में होता है। तो ये थी आज की कथा जो कि आपने ज्ञान सारा चैनल पर सुनी। और इस तरह की कथा सुनने के लिए और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माता रानी आपकी मदद करे।